हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष टीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हीरो सीपीएल का, यानी कि जो कैरेबियन प्रीमियर लीग चल रही है उसका 11th मैच जो होने वाला है बारबाडोस वर्सेस एसकेएन, उसके बारे में। दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना, वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर पूरे स्टैट्स फॉर प्लस इन्फो दे रखी है मैंने, और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, क्योंकि दोनों ही टीमों में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब चल रहा है, मगर हो सकता है अच्छा परफॉर्म करें। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देख लेना, पूरा पिच रिपोर्ट से लेकर एनालिसिस पूरे वीडियो में दे रखे हैं। और दोस्तों पिछले दो तीन दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाया था, तो इसलिए मैं आपको विश नहीं कर पाया। तो गणपति चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं दो तीन दिनों से वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि मेरे घर में भी गणेश जी बैठते हैं, तो हो सकता है कि अभी आज का जो वीडियो आपके लिए अच्छा हो। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना, तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करूं मैं, तो आप सभी को पता है कि एक न्यू वेन्यू आज से शुरू होने वाला है, एक न्यू वेन्यू। इस अगर आपको पता है पिच रिपोर्ट की बात, तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि अगर न्यू ट्रैक है तो बैट्समैन को बहुत हेल्प करने वाला है। मगर ऐसा कहा जाता है कि इस वेन्यू के बारे में, क्वींस पार्क ओवल के बारे में दोस्तों, कि जैसे जैसे बल्लेबाजी होती रहती है एंडिंग के कुछ ओवर्स में स्पिनर्स अपना दबदबा दिखाते हैं। तो बात जाहिर सी है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट डेढ़ इनिंग आप बोल सकते हैं कि बैट्समैन आराम से डोमिनेट कर सकते हैं, मगर बाद में धीरे धीरे स्पिनर्स आकर थोड़ी सी विकेट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस वेन्यू का आप एवरेज बैटिंग निकालेंगे एवरेज, तो 160 के आसपास फर्स्ट बेस्ट बैटिंग एवरेज होता है, यानी कि अच्छा हो सकता है T20 के लिहाज से। और उम्मीद करेंगे कि आज 160 से ऊपर ही रन बनेंगे। एट इम्पॉर्टेंट नोट, और एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो देखकर आप चले जाते हो मगर उसके बाद मैं फाइनल टीम जो प्रोवाइड करता हूँ तो उसका बहुत सारे लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। हम आराम से क्लीन स्वीप करते हैं हर मैच में। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, या फिर आप अपने टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर @hrshteams डालकर वहाँ पर जुड़ सकते हो। अभी तक हमारे साथ 9-10 सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, हमारे चैनल को ओपन हुए 8-9 दिन हो गए हैं। दोस्तों कम सब्सक्राइबर देख के मुहम्मत फेर लेना, सभी ने 0 से शुरुआत की थी, मैं भी 0 से शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। बारबाडोस ट्राइडेंट्स की बात करूँ तो ये तो दोस्तों इनका जो पूरा स्क्वाड है आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। प्लेइंग 11 तो मैं नीचे दिखा दूंगा और रिसेंट परफॉर्मेंस भी दिखा दूंगा दोनों ही टीमों का, मगर ये पूरा स्क्वाड है आप आराम से पढ़ सकते हो। और सैंड किट्स एंड नेविल्स पैरोट्स की अगर बात करूँ तो इनका भी आप आराम से पूरा स्क्वाड पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ये थी दोनों ही टीमों के स्क्वाड जो कि 18-18, 19-19 के स्क्वाड है, उनको आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आपको पता होगा कि आइडिया मिल जाएगा कि आज कौन खेल सकता है और कौन नहीं खेल सकता है। पिछले मैच की परफॉर्मेंस की बात करूँ दोस्तों, इस मैच में मैं खेला तो नहीं था क्योंकि रात को मैच था 1:30-2 बजे के आसपास, तो मेरी नींद ही नहीं खुली थी। मगर मैंने इस मैच को ऊपर जो सुबह स्टैट्स देखा था, जो मैंने टीम बनाकर रखी थी, सेम वैसी ही टीम अच्छा परफॉर्मेंस किया था उसने। तो अगर हम बात करेंगे रिसेंट परफॉर्मेंस के, यानी पिछला जो मैच खेला इन्होंने आपस में, उसमें बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने जो थी वो 6 रन से मैच जीत ली थी, बहुत ही क्लोज एनकाउंटर था। क्रिसलिन ने 19 रन बनाए थे, वहाँ पर लुइस ने 12 रन बनाए थे, जोहान दो सिल्वा अच्छा खिलाड़ी उसने 41 रन बनाए थे, बेन डंक ने 34 रन बनाए थे, रामदीन ने 13, और वहीं पर नीचे आप देखेंगे तो लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज ने उतना कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं किया था। अगर हम नीचे गेंदबाजी की बात करें तो मेयर्स ने 2 ओवर डाले थे, अभी फिलहाल तो ये 4-4 ओवर डाल रहे हैं हर मैच में। मेयर्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जेसन होल्डर एक बढ़िया गेंदबाज, विकेट नहीं मिली थी, मिशेल सेंटर को 2 विकेट मिली थी, राशिद खान को 2 विकेट, यहाँ पर दोनों ही स्पिनर्स ने विकेट ली थी। एशले नर्स ने 1 ओवर डाला था, हेडन वॉल्स को विकेट नहीं मिल रही है इस CPL में, मगर अच्छा गेंदबाज है। रोमन ड्राइफर पिछले मैच में धाकड़ गेंदबाजी की, मैंने हर अपनी वीडियो में बोला है जब भी इनकी मैच होती है तो इनको लेना ज़रूरी है, एक अच्छा खिलाड़ी जो आपको बल्लेबाजी भी करके दे सकता है और गेंदबाजी भी करके दे सकता है। अगर बारबाडोस की बल्लेबाजी की बात करूँ मैं, तो जॉनसन 4 रन बनाए थे, शेन होप ने 3 रन बनाए थे, कोरी एंडरसन दोस्तों इस खिलाड़ी का नसीब बहुत फूटा है, वो आपको बताऊंगा मैं आगे क्यों फूटा है। कैली मेयर्स होल्डर ने 38 रन बनाए थे, मेयर्स ने 37 रन बनाए थे, वहाँ पर कार्टर ने 0 रन बनाए थे, रोमन राइफर एक अच्छा खिलाड़ी और सैंडर ने 20 रन बनाए थे। एस्टेल नर्स की बात करूँ दोस्तों, 4 रन बनाकर आउट हुए थे और राशिद करामती खान 26 पर नाबाद थे। गेंदबाजी की बात करूँ, तनवीर ने 2 विकेट ली थी, कॉटरेल ने 2 विकेट ली थी, अल्जार जोसेफ ने 1 विकेट ली थी, ईशोदी और एमरेट्स ने 2 विकेट ली थी। इस प्रकार का कच्चा चिट्टा था पिछले मैच का। अब हम बात करें कुछ स्टैट्स और इन्फो की। बारबाडोस ट्राइडेंट्स की बात करो, जॉनसन चार्ल्स 30-31 का एवरेज है, आप इनके एवरेज पूरा पढ़ सकते हो, मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर आराम से। शाय होप ने 17 मैचेस में 23 का एवरेज, ब्रूक्स खेलते का गारंटी नहीं, एक अच्छा खिलाड़ी है, अगर खेलता था आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। कार्टर खेल रहेंगे, जस्टिन ग्रेव्स को मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं खिला रही है लोग।
एक अच्छा खिलाड़ी है, अगर आई डोंट नो क्यों नहीं खिला रहे, और अगर खेलता है तो यू कैन पिक हिम। मुझे लगता है कोरी एंडरसन जगह अगर इसको खिलाएंगे तो थोड़ा अच्छा चॉइस हो सकता है। कोरी एंडरसन की अगर बात करूँ तो दोस्तों 31 मैचेस में 424 का एवरेज है इनका वाला, 14 विकेट्स दे चुके हैं, बिल्कुल फूटा नसीब है इनका वाला। और नीचे अगर आप देखेंगे सेंट किट्स नेविल्स की अगर बात करूँ तो इविन लुइस है, क्रिस लिन है, बेन डंक, निकी के लिए अच्छे अच्छे खेलेंगे मेरे हिसाब से, जोनाथन सिल्वा, दिनेश रामदीन है, इमरान खान है, रैन एमरिड्स है, शेल्डन कॉटर, अल्जार जोसेफ, सोहेल तनवीरी हो सकती है कुछ स्क्वाड आज का। दोस्तों अब चलते सीधा ड्रीम इलेवन के पेज पर, एक अच्छी खासी टीम बनाते हैं, एक अच्छी खासी टीम बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका देखेंगे तो विकेट कीपर के ऑप्शन में आपको 4 विकेट कीपर मिल जाएंगे, मगर आप इनमें से 2 को भी लेंगे तो आगे आपको क्रेडिट प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिलहाल अभी आप देखेंगे जॉनसन चार्ल्स ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत धाकड़ परफॉर्मेंस किया, इनको आप ड्रॉप ना ही करें तो बेहतर है, मगर मैं फिलहाल अभी ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे पता है क्रेडिट प्रॉब्लम होने वाला है। शाहब को ले रहा हूँ मैं, आप चाहे तो जोनाथन सिल्वा को ले सकते हैं, इन्होंने इन्हीं टीम के खिलाफ 41 रन का आंकड़ा बनाया था पिछले मैच में जब ये आपस में भिड़े थे तब। दिनेश रामदीन को भी ले सकते हो। बल्लेबाजी सेक्शन में आपको बहुत ही बहुत प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि क्रेडिट प्रॉब्लम होने वाला है यहाँ पर, तो इविन लुइस और क्रिस लिन को छोड़ना नहीं है, दोनों ही धाकड़ ओपनर है और दोनों ही आपको हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉरी एंडरसन को दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप कर लिया, जब इनकी मैच स्टार्ट हुई थी तो मुझे पता 80% के आसपास इनका सिलेक्शन था, अभी 33% के आसपास है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ इनके बारे में दोस्तों, एक अच्छा खिलाड़ी है इनका, जो कभी कभार बोलते हैं ना आपको किसी किसी बैट्समैन का फॉर्म नहीं चलता है या फिर कभी कभार लक नहीं होता है, वैसा ही हो रहा है। कभी कभार क्या हो रहा है, फुल टॉस बॉल पे आउट हो जा रहे हैं, कभी रन आउट हो जा रहे हैं, कभी कैच आउट हो जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इनको आपको ड्रॉप करना चाहिए। ही इज़ गुड प्लेयर और कभी भी आपके लिए मैच टर्नर हो सकता है। आपको याद होनी चाहिए वो मैच राजस्थान और मुंबई के 14 मैच में जब उनको 190 चेस करना था, यही खिलाड़ी था जिसने 95 रन बनाकर मुंबई इंडियंस को जिताया था। एक एंड बेस्ट बॉलर मेरे हिसाब से, अगर इनको गेंदबाजी देते तो थोड़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते हैं ये, और बल्लेबाजी तो अच्छी कर सकते ही है। तो मैं इनको फिलहाल ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रॉप कर रहे हो, मुझे अभी भी इनके ऊपर विश्वास है। अगर आज खेलते हैं तो बिल्कुल अच्छा आपके लिए, ग्रैंड लीग के लिए पिच बन सकता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो कार्टर को आप ले सकते हैं, ब्रूक्स को ले सकते हैं अगर खेलते हैं तो, मगर मैं फिलहाल जा रहा हूँ बिंडंग के साथ क्योंकि अच्छे खिलाड़ी है, वन डाउन आकर अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा बल्लेबाजी का हुआ है लिन, और हमारे पास टॉप 3 बैट्समैन मिल गए यहाँ पर अपोनेंट टीम के। अगर आप देखेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में तो आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, सोहेल तनवीर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मगर इनका जो गति है वो बहुत स्लो हो गई है, तो इनको आराम से हिटिंग हो रही है। अभी मिचेल सैंटनर दोस्तों 37% सिलेक्शन ड्रॉप हो रहा है इनका सिलेक्शन, क्योंकि अभी आप देखेंगे आज का जो वेन्यू है वो बहुत छोटा ग्राउंड है, और अगर आप देखेंगे तो स्पिनर्स के लिए शायद ही बहुत कम हेल्प होने वाली है वहाँ पर, तो इनकी पिटाई हो सकती है, इसलिए आज ड्रॉप कर रहा हूँ। जैसन होल्डर बल्लेबाजी करके देंगे, मुझे गेंदबाजी करके देंगे बेस्ट कप्तान का विकल्प। काइली मेयर्स दोस्तों एक अच्छा विकल्प बन सकता है, ये गेंदबाजी करके दे रहा है और बल्लेबाजी भी करके दे सकता है आपको। अब आते हैं गेंदबाजी के सेक्शन में, राशिद खान, शेल्डन कॉटर को छोड़ना नहीं, रेमंड रायफर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी, और एमिरेट्स को आपको छोड़ना नहीं है। तो इस प्रकार की मेरी टीम बनती है अभी फिलहाल। अगर आप देखेंगे तो मुझे हर एक प्रकार का एक गेंदबाज मिल गया यहाँ पे, 4 बल्लेबाज मिल गए मुझे, वही आपको 2 गेंदबाज भी करके देंगे। अब कप्तान वाइस कप्तान का विकल्प आपको बता दूं मैं आपको दोस्तों, कप्तान तो मेरे रहेंगे ऑब्वियस बात है जेसन होल्डर, गेंदबाजी करके देंगे मुझे, बल्लेबाजी करके देंगे। अब आपके लिए अगर आप मुझे पूछेंगे ग्रैंड लीग के वाइस कप्तान कौन हो सकते बेस्ट, तो काइली मेयर्स आपके लिए अच्छा एक विकल्प बन सकता है। मेरे कप्तान रहेंगे स्मॉल लिस्ट में जेसन होल्डर, और वाइस कप्तान रहेंगे इविन लुइस क्योंकि इस प्रकार इनका परफॉर्मेंस है, इविन लुइस का अच्छे शॉट्स लगा रहे थे, और या फिर मैं अपना वाइस कप्तान यहाँ पर स्मॉल लिस्ट में राशिद खान को भी रख सकता हूँ। आप चाहे तो ग्रैंड लीग में अपना कप्तान जा सकते हो, एंड कॉरी एंडरसन अगर रन बना देता है दोस्तों आपको 1 सेट जिता देगा ये खिलाड़ी। तो आइए था आज की वीडियो में दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ठोकना मत भूलना, और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।